हैं गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए 2020 में ही आई एक साउथ कोरियन टीवी सीरीज लेकर आ गई हूँ। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और मैं सारे एपिसोड्स को ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस टीवी शो की IMDb रेटिंग है 7.7 और 97% गूगल यूजर्स ने इस टीवी शो को लाइक किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कमेंट में एक थम्स अप जरूर से दे दीजिएगा। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है मिस्टर पार्क को दिखाते हुए। वो एक टीचर थे और वो अपने ही क्लास के एक स्टूडेंट जिसु का रिपोर्ट कार्ड देखकर थोड़ा हैरान थे क्योंकि उसने सभी सब्जेक्ट में टॉप किया था और उसके खिलाफ एक भी कंप्लेन नहीं थी। मिस्टर पार्क उसे समझाते हैं कि उसे अपनी जिंदगी थोड़ी इंजॉय करनी चाहिए और थोड़ी मुसीबत भी मोल लेनी चाहिए वरना वो आगे जाकर कहीं बहुत ही बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं कि वो स्कूल के बाद किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। जिसु जवाब देता है कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से जिसमें उसका एडमिशन हो जाएगा वो उसमें चला जाएगा। फिर मिस्टर पार्क उससे जॉब के बारे में पूछते हैं। जिसु बताता है कि वो कोई भी काम करेगा जिसमें बहुत सारे पैसे मिलते हों। मतलब जिसु का सिर्फ एक ही टारगेट था, उसे पढ़ना था और फिर उसे एक ऐसी जॉब करनी थी जिसमें उसे बहुत सारे पैसे मिले। मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई उम्मीद या कोई सपना नहीं है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। इस पर जिसु कुछ भी जवाब नहीं देता है और सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि जिसु एक लॉकर के पास जाता है। उस लॉकर में पैसों से भरा हुआ एक छोटा सा बैग रखा हुआ था। जिसु उस बैग को लेकर और उसकी जगह पर एक खाली बैग रख देता है। फिर वो अपने फोन में वॉइस असिस्टेंट डोगो से मैसेज चेक करने के लिए बोलता है। डोगो बताता है कि उसके लिए जो पहला मैसेज आया है वो है हेल्प का, मतलब कोई मुश्किल में है और उससे मदद मांग रहा है। जिसु डोगो से मिस्टर ली को मैसेज करने के लिए बोलता है। डोगो मिस्टर ली को मैसेज करता है और हम मिस्टर ली को देख पाते हैं। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। फिर हम एक अनजान आदमी को देख पाते हैं। उसने मिनसुन नाम की लड़की को पकड़ रखा था। ये साइको आदमी मिनसुन को टॉर्चर कर रहा था और वो उसके थोड़े से बाल भी काट कर एक पैकेट में रख लेता है। मिनसुन मदद के लिए बार बार एक ब्रेसलेट पर टैप कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर ली पहुँच जाते हैं और वो साइको आदमी की बहुत ही अच्छे से धुलाई करते हैं। मिस्टर ली मिनसुन की तस्वीरें खींच कर जिसु को भेजते हैं ये दिखाने के लिए कि उसे कितनी चोट आई है। फिर जिसु मिस्टर ली को बताता है कि उन्हें उस पागल आदमी से 2 मिलियन वॉन वसूलने होंगे मिसुन के चोट के लिए। वो साइको आदमी पैसा देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। मिस्टर ली उस साइको आदमी के अच्छे से धुलाई करके उससे सारे पैसे वसूल लेते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है। दरअसल जिसु एक इलीगल सेक्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस चला रहा था मिस्टर ली के साथ मिलकर। जिसु ब्लू फेवर नाम की ऐप पर क्लाइंट को ढूंढता था और जगह फिक्स करता था। फिर मिस्टर ली लड़कियों को वहाँ पर ले जाने का काम करते थे और उनकी प्रोटेक्शन का, क्योंकि कभी कभी कुछ क्लाइंट ऐसे मिल जाते थे जो थोड़ा पागल होते थे। ऐसे ही पागल आदमियों से वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करते थे। लड़कियाँ जो भी पैसा मिस्टर ली को देती थी, मिस्टर ली उन सभी पैसों को कलेक्ट करके उस लॉकर में रख देते थे, जिसके बाद जिसु आकर उन सभी पैसों को ले जाता था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि जिसु कभी भी मिस्टर ली से या बाकी लड़कियों से मिलता नहीं था। लड़कियों और मिस्टर ली दोनों ही उसे अंकल के नाम से जाना करते थे और सिर्फ मिस्टर ली ही अंकल से बात कर सकते थे, मतलब जिसु से। जिसु ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। जिसु का सिर्फ एक ही टारगेट था, कॉलेज जाना, ग्रेजुएट होना, फिर एक जॉब करना, उसके बाद एक फैमिली। वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसे एक जॉब के लिए पहले ग्रेजुएट होना था और ग्रेजुएट होने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, कम से कम 90 मिलियन वॉन की। तो इसीलिए वो अपना ये बिजनेस चला रहा था और पैसे कमा रहा था। अगले दिन जिसु जब अपने स्कूल में था तो उसकी नजर जाती है एक ग्यूरी नाम की लड़की पर जो कि फुटबॉल खेल रही थी। जिसु उसे पहली नजर में देखते ही उसे पसंद करने लगा था। वो ग्यूरी को देख ही रहा था तभी एक लड़का आकर उसे बताता है कि मिस्टर पार्क उसे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, जिसके बाद जिसु मिस्टर पार्क के ऑफिस में जाता है। मिस्टर पार्क जिसु को उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। बेसिकली इस क्लब में सोशल प्रॉब्लम्स पर बातें की जाती थी। जिसु साफ साफ मना कर देता
जाता है कि वो उनका क्लब नहीं ज्वाइन कर पाएगा। तभी ऑफिस में ग्यूरी आती है मिस्टर पार्क को कुछ पेपर्स देने के लिए। ग्यूरी भी मिस्टर पार्क के क्लब की एक मेंबर थी। मिस्टर पार्क ग्यूरी को रोक लेते हैं और वो जीसू को ग्यूरी का असिस्टेंट बना देते हैं और बेचारा जीसू कुछ भी नहीं कर पाता है। अब रात का समय हो जाता है। जीसू, ग्यूरी और मिस्टर पार्क ये सभी क्लब में बैठे हुए थे और कुछ सोशल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर रहे थे। क्लब से छुट्टी मिलने के बाद जीसू घर पहुंचता है और ग्यूरी उसे मैसेज करके पूछती है कि अगर वो इस वीकेंड फ्री हो तो वो दोनों मिलकर क्लब का कुछ काम कर सकते हैं। ग्यूरी का मैसेज देखकर जीसू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो ग्यूरी से मिलना तो चाहता था लेकिन उसे अपना बिजनेस भी संभालना था। काफी सोचने के बाद वो ग्यूरी को हाँ बोल देता है। फिर उसके बाद वो मिस्टर ली को कॉल करके ये बता देता है कि वो लोग कल कोई भी काम नहीं करेंगे, कल डे ऑफ है तो वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। अगले दिन जीसू रेडी होकर समय से पहले ही कैफे के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद ग्यूरी आती है जिसके बाद ये दोनों कैफे के अंदर जाते हैं। जीसू अपनी जिंदगी में पहली बार कैफे आया था तो वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं और बातों ही बातों में ग्यूरी उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ लेती है। जीसू बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने उसे छोड़ दिया था जब वो 9th grade में था। तब से जीसू अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ग्यूरी उससे पूछती है कि उसकी फीस वगैरह कौन पे करता होगा। जीसू बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है। जीसू यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उससे ये सब बातें नहीं पूछी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मिनही को देख पाते हैं। मिनही जीसू की क्लासमेट थी और वो जीसू के लिए ही काम किया करती थी लेकिन उसे ये बात नहीं पता था कि वो जीसू के लिए ही काम करती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अंकल सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ली से ही बात किया करते थे। मिनही को पता था कि आज छुट्टी है लेकिन फिर भी ये बेवकूफ लड़की एक क्लाइंट से मिलने के लिए चली आती है और ये क्लाइंट वही साइको आदमी था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल उसने मिस्टर ली से बदला लेने के लिए ही मिनही को बुलाया था क्योंकि उसे पता था कि मिनही मिस्टर ली के लिए काम करती है और जब मिनही मुसीबत में पड़ेगी तो मिस्टर ली उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे और तब वो मिस्टर ली से अपना बदला लेगा। मिनही अपने आप को मुसीबत में घिरा हुआ देखकर वो फौरन ही अपने ब्रेसलेट पर टैप करने लगती है और ये मैसेज फौरन ही जीसू के पास पहुंच जाता है। जीसू मैसेज को देखकर बाथरूम की तरफ जाता है और वो मिस्टर ली को कॉल लगाता है लेकिन मिस्टर ली अपना कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे थे क्योंकि वो अपने फोन को रिपेयर करवा रहे थे। जीसू हर कोशिश करता है मिस्टर ली से कॉन्टेक्ट करने की लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वहीं उसे बार बार मिनही की मदद के मैसेज आ रहे थे। जीसू को ना चाहते हुए भी ग्यूरी को वहां पर छोड़कर जाना पड़ता है। जीसू होटल के बाहर पहुंचकर मिनही के फोन पर कॉल करता है। वो साइको आदमी कॉल रिसीव करता है। जीसू उससे कहता है कि होटल के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, वो मिनही को जाने दे। वो साइको आदमी जीसू की बात पर यकीन नहीं करता लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखता है तो बाहर सच में पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिस की गाड़ी को बाहर खड़ा हुआ देखकर ये साइको आदमी मिनही को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। उस साइको आदमी के चले जाने के बाद मिनही भी आजाद होकर उस रूम से निकलती है और जब वो एलिवेटर में जा रही थी तो ऑफिसर यूजिन उसके बैग पर लगी की रिंग को देख लेती है। ऑफिसर यूजिन ही उस होटल में चेकिंग करने के लिए आई थी। मिनही नीचे आकर एक टैक्सी लेकर वहां से फौरन ही निकलती है। जीसू उसे दूर से जाता हुआ देख लेता है और फिर वो भी वापस कैफे आ जाता है लेकिन तब तक ग्यूरी वहां से जा चुकी थी। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम उसी साइको आदमी को देखते हैं। उसने मिनही की कुछ तस्वीरें क्लिक कर ली थी और वो इंटरनेट पर डालकर ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़की कौन है। तभी वहां पर मिस्टर ली पहुंच जाते हैं और वो साइको आदमी मिस्टर ली को देखकर भाग जाता है। एंड फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेकेंड एपिसोड भी जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।